आपने सोचा यूथ या युवा होने का मतलब क्या है? सिर्फ काले बाल होने से तो कोई यूथ नहीं हो जाता ना। यूथ का मतलब है नए विचार, यूथ का मतलब है ताजगी, यूथ का मतलब है जोश, यूथ का मतलब है असंभव को संभव बना देने की हिम्मत। आज से 5 साल पहले इस देश ने वो हिम्मत देखी थी। रामलीला मैदान था, 75 साल का एक यूथ बैठा था, सारा मैदान यूथ से भर गया था, जैसे पूरा देश जवान हो गया था। आज सब थके थके नजर आते हैं, कहते हैं भाई हम तो ठगे गए, भाई कान पकड़ते हैं, अगली बार गलती नहीं करेंगे, ये इंडिया है, यहां कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे सारा देश बूढ़ा हो रहा है। आप भी हो रहे हैं? मेरे बाल सफेद हो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये देश बदल सकता है, मुझे लगता है कि नए विचार, नए जोश से हम एक नया इंडिया बना सकते हैं, लेकिन अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ स्वराज इंडिया के साथ ही कुछ नहीं कर सकते। आपके बिना नया इंडिया नहीं बन सकता। हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और हमने सोचा है कि जमीन से शुरुआत करेंगे, और 5 साल पहले इस देश ने जो बड़ा सपना लिया था उस सपने को जिंदा रखेंगे। एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ा बड़ा पैसा है, सत्ता है, लालच है, दूसरी तरफ स्वराज इंडिया है, सपने हैं, सच है, संकल्प है। आप तय कर लीजिए आपको कहाँ खड़ा होना है ना। ये बेस्ट विशेस मत कहिए, मुझे आपकी बेस्ट विशेस नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप तय कीजिए आप सिर्फ काले बाल वाले हैं या कि यूथ हैं।